हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम डायरिया के ऊपर बात करेंगे, जिसको लोग अतिसार भी कहते हैं। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे कि डायरिया हमको किन कारणों की वजह से होता है। दूसरे टॉपिक में हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि डायरिया होने पर हमको क्या क्या प्रॉब्लमें देखनी पड़ सकती हैं। तीसरे टॉपिक में हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम इसके घरेलू उपचार के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लीवर से जुड़ी डायरिया काफ़ी भयंकर बीमारी है। डायरिया हमको ज़्यादातर खाने पीने की हुई गड़बड़ी की वजह से ही होता है। डायरिया 5 साल से कम एज के बच्चों को काफ़ी भयानक है, यानी 5 साल से कम बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करता है, करता है, लेकिन छोटे बच्चों की अपेक्षा कम। चलिए हम बात करते हैं कि डायरिया हमको किन किन वजहों से होता है, यानी डायरिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, डायरिया होने के काफ़ी ज़्यादा कारण हैं। डायरिया हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। हमने अगर कोई साफ पानी नहीं पिया तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन में कोई दवाइयाँ ली हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। एंटीबायोटिक ड्रग के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। तो डायरिया होने के काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि डायरिया होने पर हमको क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती हैं, यानी इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। डायरिया होने पर हमको लूज मोशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको पेट में मरोड़ होने लगती है और पेट में दर्द भी होने लगता है। कभी कभी लोगों का जी भी घबराने लगता है, उल्टी जैसी समस्या बनने लगती है। डायरिया में हमको चक्कर भी आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ भी रह सकता है, कमजोरी भी लग सकती है, थकान लग सकती है, आपकी यूरिन की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये ट्रीटमेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये 15 साल से बड़े लोगों के लिए ही है। तो इसमें आप लोमोफेन टैबलेट मार्केट से परचेज कर लीजिए, हर मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी। लोमोफेन टैबलेट को आप दिन में 3 बार खाइए, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक खाइए। साथ ही साथ नॉरफ्लॉक्स टीजेड टैबलेट परचेज कर लीजिए, इसको सुबह शाम आप खाइए। अगर आपको पानी की कमी हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं, और अगर आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप मैप्टाल इस्पा साथ में रेबीमैक DFR ले सकते हैं। रेबीमैक DFR, मैप्टाल इस्पा को इन दवाओं के साथ खाते हैं तो आपको पेट दर्द की भी समस्या नहीं रहेगी। घरेलू उपचार के बारे में बात करें तो इसमें आप साबूदाना दे सकते हैं, साथ ही साथ आप पुराने चावल का भात बना लीजिए, साथ ही साथ मूँग की दाल पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें आप दूध भूलकर भी ना दें, क्योंकि दूध देने से पेशेंट की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।